नमस्कार, मेरा नाम मधुरजीत सरगी है और किस्से कहानियों की इस महफिल फ्राइडे फेबल्स में मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ जो मोहन राकेश ने लिखी है। कहानी है उसकी रोटी। बालों को पता था कि अभी बस के आने में बहुत देर है, फिर भी पल्ले से पसीना पोंछते हुए उसकी आंखें बार बार सड़क की तरफ उठ जाती। नकोदर रोड के उस हिस्से में आसपास कोई छायादार पेड़ भी नहीं था। वहां की जमीन भी बंजर और ऊबड़ खाबड़ थी। खेत वहां से 30-40 गज के फासले से शुरू होते थे और खेतों में भी उन दिनों कुछ नहीं था। फसल काटने के बाद सिर्फ जमीन की गोड़ाई ही की गई थी, इसलिए चारों तरफ बस मटियालापन ही नजर आता था। गर्मी से पिघली हुई नकोदर रोड का हल्का सुरमई रंग ही उस मटियालेपन से जरा अलग था। जहां बालो खड़ी थी वहां से थोड़े से फासले पर एक लकड़ी का खोखा था। उसमें पानी के दो बड़े बड़े मटकों के पास बैठा एक अधेड़ सा व्यक्ति ऊंघ रहा था। ऊंघ में वो आगे गिरने को होता तो सहसा झटका खाकर संभल जाता, फिर आसपास के वातावरण पर एक उदासी सी नजर डालकर और अंगोछे से गले का पसीना पोंछकर वैसे ही ऊंघने लगता। एक तरफ 2.5-3 फुट में खोखे की छाया फैली थी और एक भिकमंगा जिसकी दाढ़ी काफी बढ़ी हुई थी खोखे से टेक लगाई ललचाई आंखों से बालों के हाथों की तरफ देख रहा था। उसके पास ही एक कुत्ता दुबक कर बैठा था और उसकी नजर भी बालों के हाथों की तरफ थी। बालों ने हाथ की रोटी को मैले आंचल में लपेट रखा था, वो उसे बद नजर से बचाए रखना चाहती थी। रोटी वो अपने पति सुच्चा सिंह ड्राइवर के लिए लाई थी, मगर देर हो जाने से सुच्चा सिंह की बस निकल गई थी और वो अब इस इंतजार में खड़ी थी कि बस नकोदर से होकर लौट आए तो वो उसे रोटी दे दे। वो जानती थी कि उसके वक्त पर ना पहुंचने से सुच्चा सिंह को बहुत गुस्सा आया होगा। वैसे ही उसकी बस जालंधर से चलकर 2 बजे वहां आती थी और उसे नकोदर पहुंचकर रोटी खाने में 3-3:30 बज जाते थे। वो उसकी रात की रोटी भी उसे साथ ही दिया करती थी जो वो आखिरी फेरे में नकोदर पहुंचकर खाता था। 7 दिन में 6 दिन सुच्चा सिंह की ड्यूटी रहती थी और 6 दिनों का यही सिलसिला चलता था। बालो 1:15 बजे रोटी लेकर गांव से चलती थी और धूप में आधा कोस तय करके 2 बजे से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाती थी। अगर कभी उसे 2-4 मिनट की देर हो जाती तो सुच्चा सिंह किसी ना किसी बहाने बस को वहां रोके रखता, मगर उसके आते ही उसे डांटने लगता कि वो सरकारी नौकर है, उसके बाप का नौकर नहीं कि उसके इंतजार में बस खड़ी रखा करे। वो चुपचाप उसकी डांट सुन लेती और उसे रोटी दे देती। मगर आज वो 2-4 मिनट की नहीं 2-2.5 घंटे की देर से आई थी। ये जानते हुए भी कि उस समय वहां पहुंचने का कोई मतलब नहीं था, वो अपनी बेचैनी में घर से चल दी थी। उसे जैसे लग रहा था कि वो जितना वक्त सड़क के किनारे इंतजार करने में बिताएगी सुच्चा सिंह की नाराजगी उतनी ही कम हो जाएगी। ये तो निश्चित था कि सुच्चा सिंह ने दिन की रोटी नकोदर के किसी तंदूर में खा ली होगी, मगर उसे रात की रोटी देना जरूरी था और साथ ही वो सारी बात बताना भी जिसकी वजह से उसे देर हुई थी। वो पूरी घटना को मन ही मन दोहरा रही थी और सोच रही थी कि सुच्चा सिंह से किस तरह से बात कही जाए कि उसे सब कुछ पता भी चल जाए और वो खामखा तैश में भी ना आए। वो जानती थी सुच्चा सिंह का गुस्सा बहुत खराब है और साथ ही ये भी कि जंगी से उल्टा सीधा कुछ कहा जाए तो वो बगैर गंडासे के बात नहीं करता। जंगी के बारे में बहुत सी बातें सुनी जाती थी। पिछले साल वो साथ के गांव की एक महरी को भगाकर ले गया था और न जाने कहां ले जाकर बेच आया था। फिर नकोदर के पंडित जीवाराम के साथ उसका झगड़ा हुआ तो उसने उसे कत्ल ही करवा दिया। गांव के लोग उससे दूर दूर रहते थे मगर उससे बिगाड़ नहीं रखते थे। मगर
उस आदमी की लाख बुराइयां सुनकर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि वो इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है कि 14 साल की जिंदा को अकेली देखकर उसे छेड़ने की कोशिश करे। वो यूं भी जिंदा से तिगुनी उम्र का था और अभी साल भर पहले उसे बेटी बेटी कहकर बुलाया करता था, मगर आज उसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि उसने खेत में से आती हुई जिंदा का हाथ पकड़ लिया। उसने जिंदा को नंती के यहां से उपले मांग लाने को भेजा था। इनका घर खेतों के एक सिरे पर था और गांव के बाकी घर दूसरे सिरे पर। वो आटा गूंद कर इंतजार कर रही थी कि जिंदा उपले लेकर आए तो जल्दी से रोटियां सेक ले, जिससे बस के वक्त से पहले सड़क के किनारे पहुंच जाए। मगर जिंदा आई तो उसके हाथ खाली थे और चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा था। जब तक जिंदा नहीं आई थी उसे उस पर गुस्सा आ रहा था, मगर उसे देखते ही उसका दिल एक अज्ञात आशंका से कांप गया। क्या हुआ है जिंदू, ऐसे क्यों हो रहे है? उसने ध्यान से उसे देखते हुए पूछा। जिंदा चुपचाप उसके पास आकर बैठ गई और बाहों में सर डालकर रोने लगी। खसमा खानी, कुछ बताएगी भी, क्या बात हुई है? हाँ, जिंदा कुछ नहीं बोली, सिर्फ उसके रोने की आवाज तेज हो गई। किसी ने कुछ कहा है तुझसे? उसने अब उसके सर पर हाथ फेरते हुए पूछा। तू मुझे उपले उपले लेने मत भेजा कर, जिंदा ने रोने के बीच उखड़ी उखड़ी आवाज में कहा। मैं आज से घर से बाहर नहीं जाऊंगी, मुआ जंगी मुझसे आज कहता था। और गला रुंध जाने की वजह से वो आगे कुछ नहीं कह सकी। क्या कहता था जंगी तुझसे, बता, बोल। वो जैसे एक बोझ के नीचे दबकर बोली। खसमा खानी, ये बोलती क्यों नहीं? वो कहता था, जिंदा सिसकती रही। वो कहता था, चल जिंदा अंदर चलकर शरबत पी ले, आज तू बहुत सोनी लग रही है। मुआ कमजात, वो सहसा उबल पड़ी। मुए को अपनी मां रंडी नहीं सोनी लगती? मुए की नजर में कीड़े पड़े। अरे निपूते, तेरे घर में लड़की होती तो इससे बड़ी होती, तेरे दीदे फटे। हाँ, फिर तूने क्या कहा? मैंने कहा, चाचा मुझे प्यास नहीं है। जिंदा कुछ संभलने लगी, फिर कहने लगा, प्यास नहीं है तो भी एक घूंट पी लेना, चाचा का शरबत पिएगी तो याद करेगी। और मेरी बाह पकड़ कर खींचने लगा। हाय हाय रे, मौत मरे तेरा कुछ ना रहे, तेरे घर में आग लगे। आने दे सुच्चा सिंह को, मैं तेरी बोटी बोटी ना नुचवाऊं तो कहना, चल मरे, तू सोया सो ही जाए। हाँ, फिर मैं बाँह छुड़ाने लगी तो मुझे मिठाई का लालच देने लगा, मेरे हाथ के उपले वहीं गिर गए। मैंने उन्हें वैसे ही पड़े रहने दिया और बाँह छुड़ाकर भाग आई। उसने ध्यान से जिंदा को सर से पैर तक देखा और फिर अपने साथ सटा लिया। और तो कुछ नहीं कहा उसने। हाँ, जब मैं थोड़ी दूर निकल आई तो पीछे से ही करके बोला, बेटी तो बुरा नहीं मान गई, अपने उपले तो उठा कर ले जा, मैं तो तेरे साथ हंसी कर रहा था, तू इतना भी नहीं समझती, चल इधर। नहीं आती तो आज तेरे घर आकर तेरी बहन से शिकायत करूंगा कि जिंदा बहुत गुस्ताख हो गई है, कहा नहीं मानती। मगर मैंने ना उसे जवाब दिया ना मुड़कर उसकी तरफ देखा, सीधी घर चली आई। अच्छा किया तूने, अच्छा किया, मैं मुए की हड्डी पसली एक करा कर छोड़ूंगी। तू आने दे सुच्चा सिंह को, मैं अभी जाकर उससे बात करूंगी। इसे ये नहीं पता कि जिंदा सुच्चा सिंह ड्राइवर की साली है, जरा सोच समझ कर हाथ लगाऊं। फिर कुछ सोच कर उसने पूछा, अच्छा वहां तुझे किसी और ने देखा तो नहीं? हाँ नहीं, खेतों के इस तरफ आम के पेड़ के नीचे राधु चाचा बैठा था, उसने देखकर पूछा, बेटी इस वक्त धूप में कहाँ से आ रही है? तो मैंने कहा, बहन के पेट में दर्द था, हकीम जी से चूरन लाने गई थी। अच्छा किया, ये मुआ जंगी तो शोदा है, उसके साथ अपना नाम जुड़ जाए तो अपनी इज्जत जाएगी, उस सर जले का क्या जाना है, और लोगों को तो करने के लिए बात चाहिए। उसके बाद उपले लाकर खाना बनाने में उसे काफी देर हो गई। जिस वक्त उसने कटोरे में आलू की तरकारी और आम का अचार रखकर उसे रोटियों के साथ खद्दर के टुकड़े में लपेटा,
उसे पता था कि 2 कप के बच चुके हैं और वो दोपहर की रोटी सुच्चा सिंह को नहीं पहुंचा सकती, इसलिए वो रोटी रखकर इधर उधर के काम करने लगी। मगर जब बिल्कुल खाली हो गई तो उसे ये ना हुआ कि बस के अंदाजे से घर से चले। मुश्किल से 3:30-4 ही बजे थे कि वो चलने के लिए तैयार हो गई। बहन तू कब तक आएगी, जिंदा ने पूछा। दिन ढलने से पहले ही आ जाऊंगी। जल्दी आना, मुझे अकेले डर लगेगा। डरने की क्या बात है, हैं? वो दिखावटी साहस के साथ बोली। किसकी हिम्मत है जो तेरी तरफ आंख भी उठाकर देख सके? सुच्चा सिंह को पता लगेगा तो उसे कच्चा नहीं चबा जाएगा। वैसे मुझे ज्यादा देर नहीं लगेगी, सांझ से पहले ही घर पहुंच जाऊंगी। तू ऐसा करना, अंदर से सांकर लगा लेना, समझी? और कोई दरवाजा खटखटाए तो पहले नाम पूछ लेना। फिर उसने जरा धीमे स्वर में कहा, और अगर चंगी आ जाए और मेरे लिए पूछे कि कहाँ गई है तो कहना सुच्चा सिंह को बुलाने गई है। सुच्चा सिंह को बुलाने गई है, समझी? पर नहीं, तो तू उसे कुछ नहीं कहना, अंदर से जवाब ही नहीं देना, समझी? वो दहलीज के पास पहुंची तो जिंदा ने पीछे से कहा, बहन बहन मेरा दिल धड़क रहा है। तू पागल हुई है, उसने प्यार से उसको झिड़क दिया। अरे 7 गांव हैं, फिर डर किस बात का है? और तू आप भी तो मुटियार है, इस तरह घबराती क्यों है? मगर जिंदा को दिलासा देकर भी उसकी अपनी तसल्ली नहीं हुई। सड़क के किनारे पहुंचने के वक्त से ही वो चाह रही थी कि किसी तरह बस जल्दी से आ जाए, जिससे वो रोटी देकर झटपट जिंदा के पास वापस पहुंच जाए। वीरा, ओ वीरा, ये 2 बजे वाली बस को गए कितनी देर हुई है? उसने भिकमंगे से पूछा, जिसकी आंखें अब भी उसके हाथ की रोटी पर लगी थी। धूप की चुभन अभी कम नहीं हुई थी, हालांकि खोखे की छाया अब पहले से काफी लंबी हो गई थी। कुत्ता प्याऊ के तख्ते के नीचे पानी को मुंह लगाकर अब आसपास के चक्कर काट रहा था। ओ पता नहीं पैणा, भिकमंगे ने कहा, कई बसें आती हैं कई जाती हैं, यहाँ कौन गढ़ी का साहब है? बालू चुप हो रही। एक बस अभी थोड़ी ही देर पहले नकोदर की तरफ गई थी। उसे लग रहा था धूल के फैलाव के दोनों तरफ 2 अलग-अलग दुनियाएं हैं। बसें एक दुनिया से आती हैं और दूसरी दुनिया को चली जाती हैं। कैसी होंगी वो दुनियाएं जहां बड़े बड़े बाजार हैं, दुकानें हैं, और जहां एक ड्राइवर की आमदनी का 3/4 हिस्सा हर महीने खर्च हो जाता है। देवी अक्सर कहा करता था कि सुच्चा सिंह ने नकोदर में रखेल रख रखी है। उसका कितना मन होता था कि एक बार उस औरत को देखे। उसने एक बार सुच्चा सिंह से कहा भी था कि वो उसे नकोदर दिखा दे, पर सुच्चा सिंह ने डांट कर जवाब दिया था, क्यों तेरे पर निकल रहे हैं, हैं? घर में चैन नहीं पड़ता? सुच्चा सिंह वो मर्द नहीं है कि औरत की बांह पकड़कर उसे सड़कों पर घुमाता फिरे। घूमने का ऐसा ही शौक है ना, दूसरा खसम कर ले, मेरी तरफ से खुली छुट्टी है। उस दिन के बाद वो ये बात जबान पर भी नहीं लाई थी। सुच्चा सिंह कैसा भी हो, उसके लिए सब कुछ वही था। वो उसे गालियां दे लेता था, मारपीट लेता था, फिर भी उससे इतना प्यार तो करता था कि हर महीने तनख्वाह मिलने पर उसे 20 रुपए दे जाता था। लाखपुरी कहकर भी उसे अपनी घरवाली तो समझता था, और जबान का कड़वा भले ही हो सुच्चा सिंह, पर दिल का बुरा हरगिज नहीं था। वो उसके जिंदा को घर में रख लेने पर अक्सर कुढ़ा करता था, मगर पिछले महीने खुद ही जिंदा के लिए कांच की चूड़ियां और 2.5 गज मलमल ला कर दे गया था। एक बस धूल उड़ाती हुई आकाश के उस छोर से इस तरफ को आ रही थी। बालों ने दूर से ही पहचान लिया कि वो सुच्चा सिंह की बस नहीं है,
फिर भी बस जब तक पास नहीं आ गई वो उत्सुक आंखों से उसकी तरफ देखती रही। बस प्याऊ के सामने आकर रुकी। एक आदमी प्याज और शलगम का गट्ठर लिए बस से उतरा। फिर कंडक्टर ने जोर से दरवाजा बंद किया और बस चल दी। जो आदमी बस से उतरा था उसने प्याऊ के पास जाकर प्याऊ वाले को जगाया और चुल्लू से दो लोटे पानी पीकर मूछें साफ करता हुआ अपने गट्ठर के पास लौट आया। वीरा, ये नकोदर से अगली बस कितने देर में आएगी? बालो ने दो कदम आगे जाकर उस आदमी से पूछ लिया। घंटे घंटे बाद बसें चलती हैं माई, वो बोला। तुझे कहाँ जाना है? जाना नहीं है वीरा, बस का इंतजार करना है। वो सुच्चा सिंह ड्राइवर है ना, मेरा घर वाला है, उसे रोटी देनी है। ओ, सुच्चा सिंह। और उस आदमी के होठों पर एक खास तरह की मुस्कुराहट आ गई। तू उसे जानता है? उसे नकोदर में कौन नहीं जानता। बालो को उसके कहने का ढंग अच्छा नहीं लगा, इसलिए वह चुप हो रही। सुच्चा सिंह के बारे में जो बातें वो खुद जानती थी उन्हें दूसरों के मुंह से सुनना उसे पसंद नहीं था। उसे समझ नहीं आता था कि दूसरों को क्या हक है कि वो उसके आदमी के बारे में इस तरह से बात करें। सुच्चा सिंह शायद अगली बस लेकर आएगा, वो आदमी बोला। हाँ, इसके बाद अब उसी की बस आएगी। हाँ, बड़ा जालिम है जो तुझसे इस तरह इंतजार कराता है। चल वीरा, अपना रास्ता ले, बालो चिढ़कर बोली। वो क्यों इंतजार कराएगा? मुझे रोटी लाने में देर हो गई थी जिससे बस निकल गई। वो बेचारा तो सवेरे से भूखा बैठा होगा। भूखा? कौन, सुच्चा सिंह? और वो व्यक्ति दांत निकालकर हंस दिया। बालो ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। या साईं सच्चे कहकर उस आदमी ने अपना गट्ठर सर पर उठा लिया और खेतों की पगडंडी पर चल दिया। बालों की दाई टांग सो गई थी। उसने भार दूसरी टांग पर बदलते हुए एक लंबी सांस ली और दूर तक के वीराने को देखने लगी। न जाने कितनी देर के बाद आकाश के उसी कोने से उसे दूसरी बस अपनी तरफ आती नजर आई। तब तक खड़े खड़े उसके पैरों की एड़ियां दुखने लगी थी। बस को देखकर वो पोटली का कपड़ा ठीक करने लगी। उसे अफसोस हो रहा था कि वो रोटियां कुछ और देर से बनाकर क्यों नहीं लाई जिससे वो रात तक कुछ और ताजा रहती। सुच्चा सिंह को कड़ा प्रसाद का कितना शौक है, उसे क्यों ध्यान नहीं आया कि आज थोड़ा कड़ा प्रसाद भी बनाकर ले आए। खैर, कल गुरपुरब है, कल जरूर कड़ा प्रसाद बनाकर लाएगी। पीछे गर्द की लंबी लकीर छोड़ती हुई बस पास आती जा रही थी। बालों ने 20 गज दूर से ही सुच्चा सिंह का चेहरा देखकर समझ लिया कि वो उससे बहुत नाराज है। उसे देखकर सुच्चा सिंह की भवें तन गई थी और निचले होंठ का कोना दांतों में चला गया था। बालों ने धड़कते दिल से रोटी वाला हाथ ऊपर उठा दिया, मगर बस उसके पास न रुककर प्याऊ से जरा आगे जाकर रुकी। दो एक लोग वहां बस से उतरने वाले थे। कंडक्टर बस की छत पर जाकर एक आदमी की साइकिल नीचे उतारने लगा। बालो तेजी से चलकर ड्राइवर की सीट के बराबर पहुंच गई। सुच्चा सिंह, उसने हाथ ऊंचा उठाकर रोटी पहुंचाने की चेष्टा करते हुए कहा। रोटी ले ले और जा। सुच्चा सिंह ने उसका हाथ छटक कर पीछे हटा दिया। सुच्चा सिंह, एक मिनट नीचे उतरकर मेरी बात सुन ले, आज एक खास वजह हो गई, नहीं तो मैं बक नहीं, हट जा यहां से, कहकर सुच्चा सिंह ने कंडक्टर से पूछा कि वहां का सारा सामान उतर गया है या नहीं। और बस एक पेटी बाकी है, उतार रहा हूं, कंडक्टर ने छत से आवाज दी। सुच्चा सिंह, मैं 2 घंटे से यहां खड़ी हूं, बालो ने मिन्नत के लहजे में कहा, तू नीचे उतर कर मेरी बात तो सुन ले। उतर गई पेटी? सुच्चा सिंह ने फिर कंडक्टर से पूछा। हाँ, चलो चलो, पीछे से कंडक्टर की आवाज आई। सुच्चा सिंह, तू मुझ पर नाराज हो ले पर रोटी तो रख ले, तू मंगलवार को घर आएगा ना, मैं तुझे सारी बात बताऊंगी। बालों ने हाथ और ऊंचा उठा दिया। मंगलवार को कर आएगा तेरा, और एक मोटी सी गाली देकर सुच्चा सिंह ने बस स्टार्ट कर दी। दिन ढलने के साथ साथ आकाश का रंग बदलने लगा था। बीच बीच में कोई एकाध पक्षी उड़ता हुआ आकाश को पार कर जाता। खेतों में कहीं कहीं रंगीन पगड़ियां दिखाई देने लगी थी।
बालों ने प्याऊ से पानी पिया और आंखों पर छींटे मारकर आंचल से मुंह पोंछ लिया। फिर वो प्याऊ से कुछ फासले पर जाकर खड़ी हो गई। वो जानती थी अब सुच्चा सिंह की बस जालंधर से 8-9 बजे तक वापस आएगी। क्या तब तक उसे इंतजार करना चाहिए? सुच्चा सिंह को इतना तो करना चाहिए था कि उतरकर उसकी बात सुन लेता। उतर घर घर में जिंदा अकेली डर रही होगी। मुआ जंगी पीछे से किसी बहाने से आ गया तो सुच्चा सिंह रोटी ले लेता तो आधे घंटे में घर पहुंच जाती। अब रोटी तो वह बाहर कहीं ना कहीं से खा ही लेगा, मगर उसके गुस्से का क्या होगा? सुच्चा सिंह का गुस्सा भेजा भी तो नहीं है, उसका मेहनती शरीर है, उसे कसकर भूख लगती है। वो थोड़ी और मिन्नत करती तो वो जरूर मान जाता, पर अब प्याऊ वाला प्याऊ बंद कर रहा था। भिकमंगा भी न जाने कब का उठकर चला गया था। हाँ, कुत्ता अब भी वहां आसपास घूम रहा था। धूप ढल रही थी और आकाश में उड़ते चिड़ियों के झुंड सुनहरे लग रहे थे। बालों को सड़क के पार तक फैली अपनी छाया बहुत अजीब लग रही थी। पास के किसी खेत में कोई गभरू जवान खुले गले से माहिया गा रहा था। हो बोलण दी था कोई ना है, बोलण दी था कोई ना, जेड़ा सानू लावे दिता उस रोग दा ना कोई ना है, उस रोग दा ना कोई ना। माहिया की वो लय बालों की रग रग में बसी हुई थी। बचपन में गर्मियों की शाम को वो और बच्चों के साथ मिलकर रहंट के पानी की धार के नीचे नाच नाच कर नहाया करती थी, तब भी माहिया की लय इसी तरह हवा में समाई रहती थी। सांझ के छुटपुटे से उस लय का एक खास ही संबंध था। फिर ज्यों ज्यों वो बड़ी होती गई, जिंदगी के साथ उस लय का संबंध और गहरा होता गया। उसके गांव का एक युवक लाली था जो बड़े लोच के साथ माहिया गाया करता था। उसने कितनी बार उसे गांव के बाहर पीपल के नीचे कान पर हाथ रखकर गाते सुना था। पुष्पा और पारो के साथ वो देर देर तक उस पीपल के पास खड़ी रहती थी। फिर एक दिन आया जब उसकी माँ कहने लगी कि अब वो बड़ी हो गई है, उसे इस तरह देर देर तक पीपल के पास नहीं खड़ी रहना चाहिए। उन्हीं दिनों उसकी सगाई की भी चर्चा होने लगी। जिस दिन सुच्चा सिंह के साथ उसकी सगाई हुई, उस दिन पारो आधी रात तक ढोलक पर गीत गाती रही थी। गाते गाते पारो का गला रह गया था, फिर भी ढोलक छोड़ने के बाद उसे बाहों में लिए हुए गाती रही थी। निबी बी चन्नण दे ओले ओले क्यों खड़ी, मैं ता खड़ी सा बाबल जी दे बार, बाबल वर लोड़िए नीतिए के हो जे आवर लोड़िए, जो तारे आ विचो चन चन्ना विचो नंद कन्हैयावर लोड़िए कन्हैयावर लोड़िए। वो नहीं जानती थी कि उसका वर कौन है, कैसा है, फिर भी उसका मन कहता था कि उसके वर की सूरत शक्ल ठीक वैसी ही होगी जैसी कि गीत की कड़ियां सुनकर सामने आती है। सुहाग रात को जब सुच्चा सिंह ने उसके चेहरे से घूंघट हटाया तो उसे देखकर लगा कि वो सचमुच बिल्कुल वैसा ही कान कन्हैया वर पा गई है। सुच्चा सिंह ने उसकी ठोड़ी ऊंची की तो न जाने कितनी लहरें उसके सर से उठकर उसके पैरों के नाखूनों में जा समाई। उसे लगा कि
कि जिंदगी न जाने ऐसी कितनी सहरनों से भरी होगी जिन्हें वो रोज रोज महसूस करेगी और अपनी याद में संजो कर रखती जाएगी। तू हीरे की कणी है, हीरे की कणी, सुच्चा सिंह ने उसको बाहों में भरकर कहा था। उसका मन हुआ था कि कहे, ये हीरे की कणी तेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है, मगर वो शर्मा कर चुप रह गई थी। ओ माई, अंधेरा हो रहा है, अब घर जा, यहां खड़ी क्या कर रही है? प्याऊ वाले ने चलते हुए उसके पास रुककर कहा। वीरा, ये बस 8-9 बजे तक जलंधर से लौट आएगी ना? बालो ने दयनीय भाव से उससे पूछ लिया। क्या पता कब तक आए हैं, तू इतनी देर यहीं खड़ी रहेगी? वीरा, उसकी रोटी जो देनी है। उसे रोटी लेनी होती तो लेना लेता, उसका तो दिमाग ही आसमान पे चढ़ा रहता है। वीरा, मर्द कभी नाराज हो ही जाता है, इसमें ऐसी क्या बात है? अच्छा भाई, खड़ी रहे तेरी मर्जी, अब बस 9 से पहले तो क्या आएगी? चलो जब भी आए। तो प्याऊ वाले से बात करके वो निश्चय खुद ब खुद हो गया, जो वो अब तक नहीं कर पाई थी, कि उसे बस के जालंधर से लौट कर आने तक वहीं रुकी रहना है। जिंदा थोड़ा डरेगी, इतना ही ना, जंगी की अब दोबारा उससे कुछ कहने की हिम्मत नहीं पड़ सकती। आखिर गांव की पंचायत भी तो कोई चीज है, दूसरे की बहन बेटी पर बुरी नजर रखना मामूली बात है। सुच्चा सिंह को पता चल जाए तो उसे केशों से पकड़कर सारे गांव में नहीं घसीट देगा। मगर सुच्चा सिंह को यह बात ना बताना ही शायद बेहतर होगा। क्या पता इतनी सी बात में दोनों में सिर फुटावल हो जाए। सुच्चा सिंह पहले घर के झंझटों से घबराता है, उसे और झंझट में डालना ठीक नहीं। अच्छा ही हुआ जो उस वक्त सुच्चा सिंह ने बात नहीं सुनी है, वो तो अभी कह रहा था कि मंगलवार को घर नहीं आएगा। अगर वो सचमुच ना आया तो, और अगर उसने गुस्से होकर घर आना बिल्कुल छोड़ दिया तो? नहीं नहीं, वो उसे कभी कोई परेशान करने वाली बात नहीं बताएगी। सुच्चा सिंह खुश रहे, घर की परेशानियां वो खुद संभाल सकती है। वो जरा सा सिहर गई। गांव का लोटू सिंह अपनी बीवी को छोड़कर भाग गया था, उसके पीछे वो टुकड़े टुकड़े को तरस गई थी, अंत में उसने कुएं में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी, पानी से फूलकर उसकी देह कितनी भयानक हो गई थी। उसे थकान महसूस हो रही थी, इसलिए वो जाकर प्याऊ के तख्ते पर बैठ गई। अंधेरा होने के साथ साथ खेतों की हलचल फिर शांत होती जा रही थी। माहिया के गीत का स्थान अब झिंगुरों के संगीत ने ले लिया था। एक बस जालंधर की तरफ से और एक नकोदर की तरफ से आकर निकल गई थी। सुच्चा सिंह जालंधर से आखिरी बस लेकर आता था। उसने पिछली बस के ड्राइवर से पता कर लिया था कि अब जालंधर से एक ही बस आनी रहती है, अब जिस बस की बत्तियां दिखाई देंगी वो सुच्चा सिंह की ही बस होगी। थकान के मारे उसकी आंखें मुंदी जा रही थी, वो बार बार कोशिश से आंखें खोलकर उन्हें दूर तक के अंधेरे और उन काली छायाओं पर केंद्रित करती जो धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी। जरा सी भी आवाज होती तो उसे लगता कि बस आ रही है और वो सतर्क हो जाती। मगर बत्तियों की रोशनी ना दिखाई देने से एक ठंडी सांस भर फिर से निढाल हो रही थी। दो एक बार मुंदी हुई आंखों से जैसे बस की बत्तियां अपनी ओर आती देखकर वो चौंक गई, मगर बस नहीं आ रही थी। और फिर उसे लगने लगा कि वो घर में है और कोई जोर जोर से घर के किवाड़ खटखटा रहा है। जिंदा अंदर सहम कर बैठी है, उसका चेहरा हल्दी की तरह पीला हो रहा है। रहंट के बैल लगातार घूम रहे हैं, उनकी घंटियों की ताल के साथ पीपल के नीचे बैठा एक युवक कान पर हाथ रखे माया गा रहा है।
जोर की धूल उड़ रही है और धरती और आकाश की हर चीज को ढके ले रही है। वो अपनी रोटी वाली पोटली संभालने की कोशिश कर रही है, मगर वो उसके हाथ से निकलती जा रही है। प्याऊ पर सूखे मटके रखे हैं जिनमें एक बूंद भी पानी नहीं है। वो बार बार लोटा मटके में डालती है पर उसे खाली पाकर निराश हो जाती है। उसके पैरों में बेवाइयाँ फूट रही हैं। वो हाथ की उंगली से उन पर तेल लगा रही है, मगर लगाते लगाते ही तेल सूखता जाता है। जिंदा अपने खुले बाल घुटनों पर डाले रो रही है, कह रही है, तू मुझे छोड़कर क्यों गई थी, क्यों गई थी मुझे छोड़कर? हाय, मेरा परांदा कहाँ गया, मेरा परांदा किसने ले लिया? सहसा कंधे पर हाथ के छूने से वो चौंक गई। सुचस्या, उसने जल्दी से आंखों को मल लिया। और तू अब तक घर नहीं गई? सुच्चा सिंह तख्ते पर उसके पास ही बैठ गया। बस ठीक प्याऊ के सामने खड़ी थी, उस वक्त उसमें एक भी सवारी नहीं थी। कंडक्टर पीछे की सीट पर ऊँघ रहा था। ओ, मैंने सोचा रोटी दे के जाऊँगी, बैठे बैठे झपकी आ गई। तुझे आई बहुत ही देर तो नहीं हुई? नहीं, अभी बस खड़ी की है। और मैंने तुझे दूर से ही देख लिया था, तो तू इतनी पागल है, तब से अब तक तू रोटी देने के लिए यहाँ बैठी? क्या करती? तू जो कह गया था कि मैं घर नहीं आऊंगा। और उसने पलकें झपक कर अपने उमड़ते आंसुओं को सुखा देने की चेष्टा की। अच्छा ला दे रोटी और घर जा, जिंदा वहां अकेली डर रही होगी। सुच्चा सिंह ने उसकी बात थपथपा दी और उठ खड़ा हुआ। रोटी वाला कटोरा उससे लेकर सुच्चा सिंह उसकी पीठ पर हाथ रखे हुए उसे बस के पास तक ले आया। फिर वो उचक कर अपनी सीट पर बैठ गया। बस स्टार्ट करने लगा तो वो जैसे डरते डरते बोली, सुच्चा, तू मंगल को घर आएगा ना? हाँ आऊँगा, तुझे शहर से कुछ मंगवाना तो बता दे। नहीं, मुझे मंगवाना कुछ नहीं है। बस घर घर आने लगी तो वो दो कदम पीछे हट गई। सुच्चा सिंह ने अपनी दाढ़ी मूछ पर हाथ फेरा, एक टकार लिया और उसकी तरफ देखकर पूछ लिया, हाँ तो उस वक्त क्या बात बताना चाहती थी? आप नहीं, ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, मंगल कर तू घर आएगा ही ना तो। अच्छा आप जल्दी चल, जल्दी चली जा, देर ना कर, एक मील बाट है। सुच्चा सिंह, कल गुरुपुरब है, कल मैं तेरे लिए कड़ा प्रसाद बना के लाऊंगी। अच्छा, बस चलती बालों पहियों की धूल में घिर गई। धूल साफ होने पर उसने पल्ले से आंखें पोंछ ली और तब तक बस के पीछे की लाल बत्ती को देखती रही जब तक वो आंखों से ओझल नहीं हो गई। उसकी रोटी मोहन राकेश।